और ऐसे जो है वो मैच इतना चैलेंजिंग मैच था ये इम्पॉसिबल जिसे कहते हैं ना इन्होंने लिखा इम्पॉसिबल गेम थी और फिर जो है हीरोइक के थ्रू जो है ना एम एस धोनी वो कैसे जीते बहुत ही मजे की बहुत ही एक तरफ है विराट कोहली जो कि मेरे फेवरेट है और दूसरी तरफ है एम एस धोनी एम एस धोनी भी अच्छा खेलते हैं ये नो डाउट एम एस धोनी जैसा कोई खेल ही नहीं सकता बहुत ही कमाल का वो खेलते हैं और उनके आगे कोई बंदा टिक भी नहीं पाता तो फटाफट से वीडियो को करते हैं स्टार्ट लेकिन आप लोगों ने कमेंट सेक्शन के अंदर ये बताना है कि एम एस धोनी या विराट कोहली आप लोग किसके फैन एक कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताइएगा जिन लोगों ने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया लाइक कीजिएगा सब्सक्राइब कीजिएगा शेयर कीजिएगा ये वीडियो बहुत कमाल का तो होने जा रही है तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो ये कहानी है साल 2018 की जब आरसीबी के खतरनाक खिलाड़ी कोरी एंडरसन ने महेंद्र सिंह धोनी को बूढ़ा कहकर धोनी का मजाक उड़ाया था ये कहानी है उस मुकाबले की जब आर सी बी से मिले दो सौ छह के स्कोर का पीछा करने के दौरान महज दस ओवर में बहत्तर रनों पर सी एस के चार खिलाड़ियों को आउट करके विराट कोहली की टीम पूरी मैदान पर नंगा नाच कर रही थी ये समझ कर कि ये मुकाबला सी एस के हार गई लेकिन उसके बाद मैदान पर बल्लेबाजी करने आए महेंद्र सिंह धोनी ने अपने बल्ले से ऐसी तबाही मचाई ऐसी तबाही मचाई कि जिसमें फंसकर विराट कोहली की टीम के गेंदबाजों का करियर तबाह हो गया।, हो गया। तेरा बाप, मैं तो जवान था ऐसी पारी खेली थी जो इतिहास बन गई थी और अगर आपने धोनी की वो पारी नहीं देखी तो ये समझ लीजिए कि आपने अब तक धोनी का वो विकराल रूप देखा इसके लिए वो पूरी दुनिया में जाने जाते हैं मैच शुरू होता है और विराट कोहली टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला करते हैं टॉस जीतकर कोहली अपने मन में सी को धूल चटाने की मंशा से ओपन करने आते हैं और विराट कोहली के साथ ओपन करने आते हैं क्विंटन डिकॉक तो वहीं महेंद्र सिंह धोनी की टीम से गेंदबाजी में पारी का आगाज करते हैं दीपक चहर और दीपक चहर के पहले ही ओवर में विराट कोहली ने चौका लगाकर पारी का आगाज किया तो वहीं क्विंटन डिकॉक दूसरे ओवर में चेन्नई के गेंदबाजों पर कहर बनकर टूट पड़े और आरसीबी के स्कोर को चार ओवर की समाप्ति तक 35 रन तक पहुंचा दिया लेकिन जब आरसीबी का स्कोर 36 रन था उसी समय सीएसके की तरफ से गेंदबाजी करने आए शार्दुल ठाकुर और शार्दुल ठाकुर ने अपनी गेंदबाजी के चाल में आर की बड़ी मछली को फंसा लिया जी हाँ मैं बात कर रहा हूँ विराट कोहली की जो जबरदस्त लय में दिख रहे थे शार्दुल ठाकुर ने कोहली को दीपक चेहर के हाथों कैच आउट करवा पवेलियन का रास्ता दिखाया कोहली के आउट हो जाने के बाद सी के क्रिकेट फैंस जश्न मना रहे थे लेकिन सी की टीम के साथ साथ कप्तान धोनी के चेहरे पर चिंता की रेखाएं साफ साफ देखी जा रही थी क्योंकि कोहली के आउट हो जाने के बाद आर की सल्तनत से एक ऐसा शख्स मैदान पे एंट्री कर रहा था जिसके कदमों की आहट से ही विरोधी टीमों के गेंदबाजों का कलेजा मुंह से बाहर आ जाता था जिसके सामने गेंदबाजी करने के दौरान दुनिया के बड़े ऐसी बड़े गेंदबाजों के पसीने छूट जाते थे जी हाँ मैं बात कर रहा हूं द मैन द मिथ द किलर क्रिकेट के किंग एबी डिविलियर्स की और डिविलियर्स ने मैदान पर आने के बाद अपने स्वभाव के मुताबिक शार्दुल ठाकुर की पहली गेंद पर ही अपने पिटारे से जिस तरह का शॉट खेलकर गेंद को बाउंड्री लाइन के बाहर छह रनों के लिए पहुंचाया उसे देखकर ऐसा लगा मानो डिविलियर्स ड्रेसिंग रूम से पूरी तरीके से सेट से होकर महेंद्र सिंह धोनी के गेंदबाजों पर कहर बरसाने के लिए आए हैं और हुआ भी वही जिसका डर था चेन्नई सुपर किंग के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी के साथ साथ पूरी टीम को डिविलियर्स ने मैदान पर आने के बाद अपनी भीषण बल्लेबाजी से ऐसी तबाही मचाई ऐसी तबाही कि उस तबाही में पड़कर चेन्नई सुपर किंग की मजबूत गेंदबाजी बल्लेबाजी चेन्नई करना प्रारंभ किया डिविलियर्स और क्विंटन डीकॉक ये दोनों अफ्रीकी बल्लेबाज आज आर की तरफ ऐसी जिस तरीके से सीएस के गेंदबाजों पर अपनी भीषण बल्लेबाजी का कहर बरसा रहे थे उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे इन दोनों की धोनी की टीम से कोई पर्सनल दुश्मनी हो एबी डिविलियर्स और क्विंटन डिकॉक की मार से स्टेडियम का कोना कोना थर्रा उठा था इस दौरान क्या रवीन जडेजा क्या दीपक चहर क्या हरभजन सिंह और क्या इमरान ताहिर जो कोई भी गेंदबाज गेंदबाजी के लिए आता गेंद उसके हाथ से छूटने के बाद क्विंटन डिकॉक और एबी डिविलियर्स के बल्ले से टकराने के बाद सीधे बाउंड्री लाइन के बाहर जा रही थी डिविलियर्स और डिकॉक की भीषण तबाही से सी के फील्डर बस दर्शक मात्र बनकर रह गए थे जिनका काम बस इतना था कि सीएसके के गेंदबाजों के हाथ ऐसी गेंद छूटते ही डिविलियर्स और डिकॉक उस गेंद को बाउंड्री लाइन के बाहर भेज देते थे और सी के फील्डर्स उस गेंद को बाउंड्री लाइन से वापस लाकर फिर गेंदबाज को दे देते और यही प्रक्रिया काफी देर तक चलती रही अगली गेंद पर भी वही असर होता है RCB के इन दोनों भूखे बल्लेबाजों की मार से सी के खेमे में हाहाकार मच चुका था और इस दौरान इन दोनों के आगे ना तो महेंद्र सिंह धोनी की चालाकी काम कर रही थी और न ही हरभजन सिंह रविंद्र जडेजा और इमरान ताहिर की फिरकी सीएसके की तरफ से पारी का ओवर लेकर आए सीएसके के सबसे खतरनाक गेंदबाज इमरान ताहिर और, ताहिर के में ने बैक बैक दो लगाए। और एक छक्का तो तो चेन्नई की तरफ ऐसी आए शेन वॉटसन की पहली गेंद पर डिकॉक ने गगन चुम्बी लंबा छक्का लगाकर तीस गेंदों पर अपना अर्धशतक पूरा करके आर के स्कोर को एक रनों के पार पहुंचा दिया था अर्धशतक पूरा करने के बाद डिविलियर्स और भी खतरनाक हो गए और चेन्नई की तरफ से पारी का तेरवा ओवर लेकर आए शार्दुल ठाकुर के ओवर में बैक टू बैक दो छक्के ठोक कर डिविलियर्स ने आर के स्कोर को डेढ़ के पार पहुँचा दिया लेकिन इसी बीच सीएस की तरफ ऐसी का तेरवा ओवर लेकर आए ब्रैवो और ब्रैवो ने अपने स्लोअर गेंद पर क्विंटन डिकॉक को आउट करके धोनी को राहत की सांस दिलाई डिकॉक ने आउट होने से पहले उनतीस गेंदों पर तिरसठ रनों की तूफानी और दमदार पारी खेली थी अगले ही ओवर में चेन्नई की तरफ से गेंदबाजी करने आए इमरान ताहिर की गेंद पर कैच आउट होकर पवेल जाने से पहले डिविलर्स ने मात्र 26 गेंदों पर 8 छक्कों और दो चौकों की मदद से तूफानी अड़सठ रनों की पारी खेल दी थी और क्विंटन डिकॉक के साथ 115 रनों की पार्टनरशिप करके आरसीबी को मजबूत स्थिति में पहुंचा दिया था डिकॉक के आउट हो जाने के बाद मैदान पर बल्लेबाजी करने आए कोरी एंडरसन और मनदीप सिंह लेकिन इमरान ताहिर ने इसी ओवर में कोरी एंडरसन को भी कैच आउट करवाकर महेंद्र सिंह धोनी को राहत की सांस दिलाई महज दस रनों के अंदर आर के तीन खतरनाक खिलाड़ियों को आउट करके सीएसके के गेंदबाजों के साथ साथ महेंद्र सिंह धोनी भी जश्न मना रहे थे उन्हें लगा की डिविलियर्स और डेकॉक को आउट करने के बाद बला टल गई और वो आर को एक या अधिक ऐसी अधिक एक रनों के अंदर रोक लेंगे लेकिन महेंद्र सिंह धोनी की सोच पर पलटवार किया मनदीप सिंह ने एंडरसन के आउट हो जाने के बाद आरसीबी की तरफ से मैदान पर बल्लेबाजी करने आए डिगैंड के साथ मिलकर मनदीप ने महज 20 गेंदों पर उनचास रनों की पार्टनरशिप की इस दौरान खास करके मनदीप सिंह के बल्ले से निकलने वाला हर एक चौका और हर एक छक्का महेंद्र सिंह धोनी और उनकी टीम के गेंदबाजों को एबी बी के चौके और छक्के से ज्यादा तकलीफ दे रहे थे मनदीप सिंह के तूफानी पंद्रह गेंदों पर बत्तीस रनों की पारी और मनदीप के आउट हो जाने के बाद मैदान पर बल्लेबाजी करने आए वाशिंगटन सुंदर के चार गेंदों पर चौदह रनों के आतिशबाजी वाली पारी की बदौलत विराट कोहली की टीम ने सीएसके के सामने इस मुकाबले को जीतने के लिए दो सौ छह रनों का विशाल काय लक्ष्य रख दिया सीएसके को दो सौ छह रनों का लक्ष्य देकर विराट कोहली और विराट कोहली की पूरी टीम जश्न मना रही थी क्योंकि महेंद्र सिंह धोनी की टीम को आर के उन गेंदबाजों का सामना करना था जो आई पी में, में दो दुनिया का बड़े ऐसी बल्लेबाज अपने घुटने टेक देता था चहल के बाद के बाद खेमे में उमेश यादव भी थे जिनका अगर दिन हो तो उमेश अपनी घातक रफ्तार और जानलेवा बाउंसर से मैच का रुख किसी भी तरफ मोड़ने की क्षमता रखते थे और उमेश यादव के बाद आरसीबी के खेमे में एक ऐसा गेंदबाज था जो अपनी घातक रफ्तार और सिंह स्विंग से सीएसके की पूरी टीम को अकेले दम पर आउट करने की क्षमता रखता था और जो आने वाले समय में दुनिया का नंबर वन गेंदबाज बनने वाला था जी हाँ मैं बात कर रहा हूँ मोहम्मद सिराज की जो साल दो में दुनिया के बड़े ऐसी बड़े बल्लेबाज के लिए खौफ का दूसरा नाम बन चुके थे और इन्हीं खतरनाक सेनापतियों के दम पर आईपीएल के इस रण को भेदने और धोनी की सल्तनत को धूल चढ़ाने की मंशा के साथ आरसीबी के सरदार विराट कोहली ने अपने 11 लड़कों के साथ मैदान पर घेरा डाल दिया और विराट कोहली की टीम के घमंड बन चुके 206 रनों के लक्ष्य को भेदने के लिए धोनी की टीम से मैदान पर बल्लेबाजी करने आते हैं अम्बाती रायडू और शेन वाटसन तो वही आर की तरफ ऐसी गेंदबाजी में पारी का आगाज करते हैं पवन नेगी और पवन नेगी के पहले ओवर की दूसरी गेंद पर वाटसन ने मिड विकेट के ऊपर ऐसी छक्का लगाकर के को धमाकेदार शुरुआत दिलाई लेकिन पवन नेगी ने छक्का खाने के बाद भी अपने ओवर की आखिरी गेंद पर शेन वाटसन को मोहम्मद सिराज के हाथों कैच आउट कराकर चेन्नई को सबसे बड़ा झटका दिया क्योंकि शेन वाटसन ऐसे खिलाड़ी थे जो अकेले दम पर मैच का रुख इसी तरफ मुड़ने की क्षमता रखते थे वॉटसन के आउट होने के बाद चेन्नई की तरफ से मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए आए मिस्टर आईपीएल कहे जाने वाले महेंद्र सिंह धोनी के सबसे खूंखार सबसे खतरनाक खिलाड़ी सुरेश रैना पहले ओवर में शेन वाटसन जैसे दिग्गज खिलाड़ी के आउट हो जाने के बाद चेन्नई सुपर किंग दबाव में थी और इस दबाव के चलते बारह गेंदों में आर के खतरनाक गेंदबाजों ने सी के इन दोनों बल्लेबाजों को एक एक रन के लिए तरसा दिया जिसके चलते तीन ओवर की समाप्ति के बाद चेन्नई का स्कोर महज 11 रन था विराट कोहली के खतरनाक गेंदबाजों ने पहले ही ओवर में चेन्नई सुपर किंग के बल्लेबाजों पर जिस तरह से कातिलाना आक्रमण किया उसे देखकर सबको ये लगने लगा था कि ये मुकाबला आरसीबी बड़े आराम से जीत जाएगी लेकिन आर की तरफ ऐसी पारी का चौथा ओवर लेकर आए वॉशिंगटन सुंदर की तीसरी गेंद पर अम्बाती रायडू ने कदमों का इस्तेमाल करके गेंद को हवाई यात्रा के जरिए छह रनों के लिए भेज सबको ये एहसास दिला दिया की अभी इस मैच में बहुत कुछ बाकी है अंबाती राइडू ने सुंदर की तीसरी गेंद पर छक्का लगाने के बाद चौथी गेंद पर भी कदमों का इस्तेमाल करके गेंद पर ऐसा प्रहार किया कि गेंद आसमान की ऊंचाइयों को चीरती हुई दर्शक दीर्घा में जा पहुंची इन्हीं दो तो छक्कों के साथ चेन्नई सुपरकिंग का स्कोर जो 11 रनों पर दही की तरह जम चुका था वो 25 रनों के पार जा पहुंचा अब आरसीबी की पारी से छठा ओवर लेकर आते हैं उमेश यादव और उमेश यादव की पहली गेंद पर अम्बाती रायडू ने गेंद को ऑन साइड के ऊपर से खेल कर एक बार फिर से गेंद को बाउंड्री लाइन के बाहर भेज दिया लेकिन अम्बाती रायडू के हाथों छक्का खाने के बाद उमेश यादव ने जबरदस्त पलटवार किया और अपने ओवर की आखिरी गेंद पर सुरेश को मनदीप सिंह के हाथों कैच आउट कराकर पवेलियन का रास्ता दिखाया फिर उमेश यादव ने सीएसके को बड़ा झटका दिया मिस्टर आईपीएल को आउट करके सुरेश रैना के आउट हो जाने के बाद सीएसके की तरफ से मैदान पर बल्लेबाजी करने आए सैम बिलिंग और बिलिंग ने पारी का आगाज चौके के साथ किया लेकिन आर की तरफ ऐसी पारी का सातवा ओवर लेकर आए आरसीबी के सबसे चतुर चालाक गेंदबाज यजुवेन्द्र चहल और चहल ने अपनी फिरकी की चाल में बिलिंग को फसा स्टंप आउट करा दिया सैम बिलिंग के आउट हो जाने के बाद सीएसके की के तरफ ऐसी दान पर बल्लेबाजी करने आए रवीन जडेजा लेकिन चतुर चालाक चहल ने रवीन जडेजा को बोल्ड करके बैक टू बैक चेन्नई सुपर किंग को दो बड़े देकर पर लाकर खड़ा कर दिया दस ओवर की समाप्ति पर महज चौहत्तर रनों के निजी स्कोर पर सीएसके के चार महारथी आउट होकर पवेलियन जा चुके थे महज चौहत्तर रनों पर सीएसके के चार खिलाड़ियों के आउट हो जाने के बाद अब पूरी दुनिया ने मान लिया था की सी अब कहा भला अगले दस ओवर में एक रन बना पाएगी जी हाँ अभी यहाँ से सी को जीतने के लिए साठ एक पर बत्तीस रनों की जरूरत थी ऐसी हालत में सी के खिलाड़ियों ने भी यह मान लिया था की सी एस मुकाबला यहाँ ऐसी हार जाएगी और ऐसी हालत में चेन्नई के ज्यादातर क्रिकेट फैंस सी की हार देख स्टेडियम छोड़कर बाहर जाने लगे पूरी दुनिया ने यह मान लिया था कि यह मुकाबला सीएसके हार जाएगी और ऐसी हालत में चेन्नई के चार खिलाड़ियों को आउट करने के बाद विराट कोहली के साथ साथ संपूर्ण आर क्रिकेट फैंस और आर के खिलाड़ी जश्न मना रहे थे उन्हें लगा की ये मुकाबला अब आसानी से जीत जाएंगे लेकिन विराट कोहली के साथ साथ समस्त आर के खिलाड़ियों और क्रिकेट फैंस को इस बात का अंदाजा नहीं था की आज इस मुकाबले में कुछ ऐसा होने वाला है जिसका गवाह इतिहास होगा जिसे लोग सदियों तक नहीं भूल पाएंगे जी हाँ आज इस मैदान पर महेंद्र सिंह धोनी और अम्बाती रायडू के बल्ले से एक ऐसा इतिहास लिखा जाना था इसकी कल्पना क्रिकेट के पंडितों ने सपने में भी नहीं की थी जो लोग ये समझ रहे थे कि सी एस के अब यहाँ से मुकाबला हार जाएगी उन सब की सोच पर पलटवार करने के लिए सी एस के खेमे से रविंद्र जडेजा के आउट होने के बाद मैदान पर एंटर हो चुका था एक ऐसा खिलाड़ी जो अनहोनी को होनी में बदलने की क्षमता रखता था चेन्नई की डूबती नैया को पार लगाने के लिए अब मैदान पर एंडर हो चुके थे महेंद्र सिंह धोनी जो चेन्नई के क्रिकेट फैन चौहत्तर रन पर चार विकेट गिर जाने के बाद निराश दिख रहे थे वो महेंद्र सिंह धोनी के मैदान पर बल्लेबाजी करने चाहता थे उनके मन में अब आशा की एक किरण जाग चुकी थी उन्हें भरोसा था महेंद्र सिंह धोनी पर जो हाथों में ग्लव्स पहन ले तो विकेट के पीछे से और जब हाथों में बैट थाम ले तो विकेट के आगे से क्रिकेट की परिभाषा बदल कर रख देता था और वही किया महेंद्र सिंह धोनी ने आरसीबी की तरफ से बाजी करने आए पारी का ग्यारहवां ओवर लेकर पवन नेगी और पवन नेगी के ओवर की पहली गेंद पर महेंद्र सिंह धोनी ने ऐसा करारा प्रहार किया कि गेंद पैट पर लगने के बाद आसमान की ऊंचाइयों का घमंड तोड़ते हुए दर्शक दीर्घा में जा पहुंची आमतौर पर महेंद्र सिंह धोनी कैसी भी मुश्किल सिचुएशन हो और जब वो बल्लेबाजी करने के लिए आते थे तो वो पहली गेंद को डिफेंस करते थे लेकिन आज जिस तरीके से धोनी ने पहली गेंद को बाउंड्री लाइन के बाहर भेजा उसे देख कर आर सी बी के खिलाड़ियों के साथ साथ बेंगलोर के कप्तान विराट कोहली भी समझ चुके हैं आज इस मैदान पर जरूर कुछ न कुछ बड़ा होने वाला है जिसका गवाह इतिहास होगा आरसीबी की तरफ से पारी का बारवा ओवर लेकर आए कोरी एंडरसन जी हां वही कोरी एंडरसन जिसने धोनी को गेम बदल उड़ा देगा ये, ये बंदा का मजाक उड़ाया था और एंडरसन की तीसरी गेंद पर धोनी ने ऐसा करारा प्रहार किया कि गेंद बैट पर लगने के बाद कोहली की रफ्तार से भी तेज हवाओं को चीरती हुई स्टेडियम के दूसरे फ्लोर पर जा गिरी अपनी तीसरी गेंद पर छक्का खा चुके कोरी एंडरसन ने अपनी चौथी गेंद महेंद्र सिंह धोनी को यॉर्कर डाल दी शायद कोरी एंडरसन को इस बात का अंदाजा नहीं था कि संपूर्ण क्रिकेट जगत में यॉर्कर गेंद पर हेलीकॉप्टर शॉट खेलने की परंपरा महेंद्र सिंह धोनी के आने के बाद ही शुरू हुई और धोनी ने एंडरसन की पर अपने हेलीकॉप्टर शॉट के पिटारे से शॉट निकालकर महेंद्र के गेंदबाजों पर दर्दनाक प्रहार कर रहे थे हाहाकार मच गया जो चेन्नई के क्रिकेट फैंस जब दस ओवर की समाप्ति पर चेन्नई के महज चौहत्तर रनों के स्कोर पर चार विकेट गिर जाने के बाद ये सोचकर छोड़कर चले गए थे कि सी के मुकाबले में हार जाएगी वो अब महेंद्र सिंह धोनी की फोटक बल्लेबाजी को देख धीरे धीरे वापस आने लगे महेंद्र सिंह धोनी के बाद अम्बाती रायडू जो चार विकेट गिर जाने के बाद दबाव महसूस कर रहे थे अब वह भी अपने से शॉट निकालकर आरसीबी के गेंदबाजों पर प्रहार करना प्रारंभ कर चुके थे लेकिन जब चेन्नई का स्कोर 136 रन था उस समय आरसीबी के खेमे से गेंदबाजी करने आए कोरी कोडरसन की गेंद पर उमेश यादव ने अम्बाती रायडू का कैच ड्रॉप कर दिया और कैच ड्रॉप होने के बाद रायडू ने कोरी एंडरसन की अगली दो गेंदों को बाउंड्री लाइन के बाहर छह रनों के लिए भेज कर रायडू ने आर के कप्तान विराट कोहली के जख्मों पर नमक छिड़कने का काम किया जीवन दान मिलने के बाद रायडू ने आर के गेंदबाजों पर प्रहार करना जारी रखा लेकिन तभी घटती है मैदान पर एक ऐसी घटना जिसने करोड़ों सी फैंस का दिल तोड़ कर रख दिया जी हाँ जब चेन्नई सुपर किंग को इस मुकाबले में जीत के लिए पंद्रह गेंदों पर तिरालीस रनों की जरूरत थी इस दौरान आर की तरफ ऐसी एक बार फिर गेंदबाजी करने आए कोरी एंडरसन और कोरी एंडरसन की एक गेंद पर अम्भा रायडू जो जबरदस्त बल्लेबाजी करते हुए चेन्नई को जीत की तरफ ले जा रहे थे उन्होंने पॉइंट के क्षेत्र में एक शॉट खेला जहां पर फील्डिंग कर रहे थे उमेश यादव और उमेश यादव ने जबरदस्त फील्डिंग करते हुए न सिर्फ अपनी टीम के लिए चार रन बचाए अपने रॉकेट थ्रो से अम्बाती रायडू को रन आउट करके सीएसके को सबसे बड़ा झटका दे दिया और ऐसे समय पर दिया जब सीएसके इस मुकाबले में पूरी तरह से वापसी कर चुकी थी अम्बाती ने आउट होने से पहले तिरपन गेंदों पर तूफानी बयासी रनों की पारी खेली थी रायडू के आउट हो जाने के बाद सीएसके के क्रिकेट फैंस और कप्तान महेंद्र सिंह धोनी खोर निराशा में डूब गए रायडू को आउट करके आर के खिलाड़ी और फैंस जस्ट मना रहे थे उन्हें लगा की अब वो ये आसानी से जीत जाएंगे क्योंकि अब आखिरी बारह गेंदों पर जीत के लिए छत्तीस रन चाहिए थे लेकिन आर के कप्तान विराट कोहली और उनकी टीम के साथ साथ आर क्रिकेट फैंस को शायद इस बात का अंदाजा नहीं था की अभी भी सी का एक ऐसा बब्बर शेर मैदान पर मौजूद था जिसके बस मैदान पर होने से ही विरोधी टीम के खिलाड़ियों को डर के मारे पसीने छूटने लग जाते थे जिसने विश्व क्रिकेट के बड़े से बड़े सो गेंदबाजों के अहंकार को अपनी विध्वंसक बल्लेबाजी से चूर चूर कर दिया था और उस शेर ने जब से क्रिकेट की दुनिया में कदम रखा था तब से पूरी दुनिया ने ये मान लिया था कि जो अनहोनी को होनी कर दे उसी को महेंद्र सिंह धोनी कहते हैं राइडू के आउट हो जाने के बाद मैदान पर बल्लेबाजी करने आए डीजे ब्रावो और आरसीबी की तरफ से पारी का उन्नीसवा ओवर लेकर आए मोहम्मद सिराज दीज़ सिराज दीज़ ने अपनी पहली चार गेंदों पर महज छह रन खर्च किया अब यहां से आठ गेंदों पर सी को जीत के लिए तीस रनों की जरूरत थी ऐसे में आप कल्पना कर सकते हैं कि इस मैच का रोमांच किस लेवल पर था लेकिन महेंद्र सिंह धोनी ने सिराज की चौथी और पांचवी गेंद पर बैक टू बैक दो छक्के लगाकर मैच का रुख एक बार फिर सीएसके की तरफ मोड़ दिया आखिर के छह गेंदों पर सीएसके को जीत के लिए चाहिए थे 18 रन और आरसीबी की तरफ से इन 18 रनों को बचाने की जिम्मेदारी अपने कंधों पर लेकर गेंदबाजी करने आए कोरी एंडरसन और स्ट्राइक पर थे डीजे ब्रावो ब्रावो ने पहली गेंद पर चौका लगाकर तो वहीं दूसरी गेंद पर सिंगल लेकर स्ट्राइक धोनी को दे दी यानी अब आखिरी के चार गेंदों पर सीएसके को जीत के लिए तेरह रन चाहिए थे और स्ट्राइक पे थे महेंद्र सिंह धोनी धोनी ने कोरी एंडरसन की तीसरी गेंद पर अपना बल्ला इतना जोर से घुमाया कि गेंद महेंद्र सिंह धोनी के बैट से लगने के बाद आसमान की ऊंचाइयों को तोड़ते हुए चीरते हुए छह रनों के लिए जा पहुँची कोरियनसन ने अगली बॉल व्हाइट डाल दी यानी अब सीएसके को अगली दो गेंदों पर जीत के लिए चाहिए थे छह रन और स्ट्राइक पे थे महेंद्र सिंह धोनी कोरियनसन ने अपनी ओवर की पांचवी गेंद डाली जिस पर महेंद्र सिंह धोनी ने जोर से प्रहार किया गेंद बैट पर लगने के बाद हवाई यात्रा के जरिए दर्शक के बाद पहुंची और इस तरह से महेंद्र सिंह धोनी की सी एस ये मुकाबला जीत गयी जी हाँ वो सी एस के ये मुकाबला जीत जिस गई जिसने <laughs> से मिले रनों का पीछा करते हुए मात्र चौहत्तर रनों पर चार मेन खिलाड़ियों को गवा दिया था जिसे देख कर पूरी दुनिया ने यह मान लिया था सीएस के ये मुकाबला किसी भी कीमत पर नहीं जीत सकती लेकिन कहते है ना की जो अनहोनी को होनी कर दे उसी को महेंद्र सिंह धोनी कहते हैं महेंद्र सिंह धोनी ने साबित किया धोनी ने इस मुकाबले में सात छक्कों की मदद ऐसी तीस गेंद पर तूफानी सत्तर रनों की पारी खेली थी दोस्तों महेंद्र सिंह धोनी और अंबती रायडू की इस अद्भुत अविश्वसनीय पारी को आप 10 में से कितने नंबर देना चाहते हैं वीडियो में कमेंट करके जरूर बताना साथ ही अगर मैं पसा... तो 10 में से 14 नंबर देना चाहूंगा ठीक है बहुत ही यार कमाल का सीएसके मतलब वो मतलब काफी टाइम से आईपीएल भी जीत रहे हैं और दूसरी चीज यह कि विराट का थोड़ा मुंह बन गया वहां पे मुझे भी थोड़ा अजीब लगा एम एस धोनी ने इतना कमाल का इतना अच्छा खेला और उनको एवी नहीं क्रिकेट का गॉड बोला जाता कि एम एस धोनी का यार मैं मैं इनकी गेम देखती हूँ ना एम एस धोनी की तो यार मैं हैरान रह जाती हूँ कि बंदा क्या है कैसे खेलता है मतलब इम्पॉसिबल था कि सीएसके के जो है वो इस आई पी एल में जीतेगी बट छिक्के चौके लगा लगा के एम एस धोनी ने एकदम वक्त बदल दिए जज्बात बदल दिए वो वाला सीन हुआ बहुत ही कमाल की वीडियो थी आप लोगों को वीडियो कैसी लगी डू कमेंट लाइक सब्सक्राइब शेयर करते जाइएगा चलेगा कर नेक्स्ट वीडियो के अंदर बाय बाय